भारत आज विश्व पटल पर विकास के नए अध्याय लिख रहा है। बीते 10 वर्षों में भारतीय रेल भी विकास के पथ पर अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय रेल द्वारा देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होता है, विद्यार्थियों को होता है, व्यापारियों उद्यमियों को होता है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज हरियाणा में किया जा रहा है लगभग 2500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण। रेवाड़ी काठुवास दोहरीकरण परियोजना, काठुवास नारनौल दोहरीकरण परियोजना, भिवानी डोब बहाली दोहरीकरण परियोजना। इस व्यस्ततम रेलखंड के दोहरीकरण से जहां ट्रेनों का सुगम संचालन संभव होगा, वहीं देश के उत्तरी क्षेत्रों तक सीमेंट खाद्यान्न आदि का अधिक और तीव्र गति से हो सकेगा परिवहन। मनहेरू भवानी खेड़ा दोहरीकरण परियोजना के बनने से रेवाड़ी भिवानी हिसार रेलखंड पर स्थित कोयला आधारित बिजली घरों तक कोयले की सुगम आपूर्ति होगी सुनिश्चित। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है नवनिर्मित रोहतक महम हांसी रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण। और दिखाई जा रही है इस रेलखंड पर संचालित होने वाली ट्रेन सेवा को हरी झंडी। ये रेल परियोजनाएं न केवल सुगम रेल कनेक्टिविटी के सपने को करेंगी साकार, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी करेंगी सिद्ध।